Hello viewers, how are you? Hoping that you will be fit and fine wherever you are. Today we would discuss the test conducted by KTDT, test number 3. We would discuss today English question paper only. प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे जहाँ भी होंगे. तो आज जो थर्ड पेपर है KTDT के द्वारा कंडक्ट किया गया है CET, उसको हम आज असेस करेंगे इंग्लिश सेक्शन उसका केवल. तो इंग्लिश सेगमेंट देखते हैं हम कैसा है. सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 36 और मेरे पास जो ये है सेट ए का क्वेश्चन पेपर है. तो सेट ए में जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं. सबसे पहले क्वेश्चन है, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस. ये वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन है, द किलिंग ऑफ ए होल ग्रुप ऑफ पीपल. द किलिंग ऑफ ए होल ग्रुप ऑफ पीपल. तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर है ये 36. ऑप्शन है इसकी जर्मिसाइड. जर्मिसाइड, पैट्रिसाइड, और थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन, जेनोसाइड. फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस. देखिए स्टेटमेंट दोबारा से बोलता हूँ मैं, द किलिंग ऑफ ए होल ग्रुप ऑफ पीपल. जहाँ पे सभी जो ग्रुप है लोगों का, समूह, जन समूह, उसको मार दिया जाए तो वो किलिंग क्या कहलाती है. यहाँ पे आंसर जाता है आपका थर्ड, जेनोसाइड. जर्मिसाइड क्या होता है? कीट पतंगों का किलिंग. और पैट्रिसाइड, पिता का कत्ल. तो इसलिए यहाँ पे जेनो मीन क्या है? जनरेशन. एक पूरी जनरेशन को मार दिया जाए, अपार जनसमूह को, तो वो क्या कहलाया जाएगा? जेनोसाइड, जिसको हिंदी में हम नरसंहार कहते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. तो देखिए क्या है ये, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट फॉर्म. तो इनडायरेक्ट फॉर्म है, आपको नरेशन बताना है. सोक्रेट सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड. जो अच्छाई होती है वो अपने आप में क्या होता है? एक इनाम होता है. तो ये बात क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है. और जहाँ भी यूनिवर्सल ट्रूथ होती है उसके लिए केवल हम दैट लगाते हैं. तो देखिए क्या है, एस ओ सोक्रेट्स सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड. तो देखिए क्या है, जो नरेशन बनती है तो ये करेक्ट है. अब देखते हैं ऑप्शन किस में जाता है इसका आंसर. ये जाता है ऑप्शन सोक्रेट सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड. तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 37, आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38. चूज द राइट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो. जो नीचे शब्द दिए गए हैं वहाँ पे एक्वेंट का सिनोनिम देखना है आपको.
एक्वेंट क्वेश्चन नंबर 38, इसका हमने क्या देना है, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे अराउज, और बी ऑप्शन है इंट्रोड्यूस, और सी ऑप्शन है अपॉइंट। और डी ऑप्शन है एक्वायर। एक्वेंट भी जो होता है परिचित होना या परिचय देना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अराउज किसी बात को उठाना, और इंट्रोड्यूस क्या है, अपने आप को क्या है इंट्रोडक्ट करवाना, अपना परिचय देना। तो अपना परिचय देना किससे मिल खाता है, एक्वेंट से। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। अपॉइंट मीन्स क्या होता है, नियुक्त करना, एक्वायर मीन्स अर्जित करना। तो मोस्ट रिलायबल सिनोनिम कौन सा है आपका, बी। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 39। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। आपको क्या बताना है कि किस भाग में आपके एरर है। द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन द एग्जाम, टेकन द एग्जाम एंड द रिजल्ट इज, एंड द रिजल्ट इज बींग, द रिजल्ट इज बींग awaited for no error, A segment, B segment, C segment and D segment। देखिए क्या है, the students have already taken the exam या examination, जो विद्यार्थी हैं वो पहले ही परीक्षा दे चुके हैं, एंड द रिजल्ट इज़ बीइंग अवेटेड, और उनका जो रिजल्ट है उसका क्या है इंतज़ार किया जा रहा है। यहाँ पे जो एरर है, अवेटेड के बाद फोर की आवश्यकता ही नहीं है। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी, बाकी सारा का सारा भाग ठीक है। द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन द एग्जाम एंड दिस टू एंड द रिजल्ट इज बींग अवेटेड फॉर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, द रिजल्ट इज बींग अवेटेड, अवेटेड के बाद आई थिंक प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए। देखिए क्या है, ही वेंट डैश सी अलोन, ही वेंट डैश सी अलोन फुल स्टॉप। अब देखिए क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इन, ऑप्शन नंबर बी टू, ऑप्शन नंबर सी इनटू, और ऑप्शन नंबर डी ऑन। ही डैश सी अलोन, अब देखिए क्या है, बड़ा एम्बिग्यूटी है इस सेंटेंस में, क्लैरिटी नहीं पता चल पाता
कि क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे हिंदी से पता लगता है कि वो समुद्र तक गया अकेला। तो यदि ऐसी सेंस है तो गिवन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा, टू आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टू। ठीक है, तो वैसे क्या होना चाहिए था, ही ट्रेवल्ड बाई सी अलोन। ही ट्रेवल्ड यदि हम यहाँ पे करते हैं तो बिल्कुल क्या है, इसकी हिंदी स्पष्ट होती है, ही ट्रेवल्ड बाई सी अलोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बनती है हमारी, ठीक है, तो बी ऑप्शन बनती है इसका आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। He dash the clothes. He dash the clothes and hung them up. अब ऑन द क्लॉथ लाइन क्वेश्चन नंबर 41। ऑप्शन है कैप्ट ऑन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ब्लू अप, ऑप्शन नंबर सी क्लियर्ड अवे और क्या पिक्ड अप। तो देखिए उसने कपड़ों को उठाया और क्या कर दिया, जो क्लॉथ लाइन है यानी कि वायर है उस पर उसने टांग दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ही कैप्ट ऑन नहीं, कोई भी सेंस नहीं निकलती। ब्लू अप से भी, क्लियर्ड अवे से भी नहीं। जो हमारी सेंस सेंटेंस की क्लियर होती है डी से, पिक्ड अप से, उसने कपड़ों को उठाया और क्या है जो वायर है उस पर क्या है टांग दिया, उसने लटका दिया कपड़ों को वहाँ पर। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर किस पे जाता है, 41 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। ऑल्दो ही वर्क वेरी हार्ड, क्वेश्चन नंबर 42। ऑल्दो ही वर्क्ड वेरी हार्ड, ऑल्दो ही वर्क्ड वेरी हार्ड डैश गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स। ऑप्शन ए है इन स्पाइट ऑफ इट ही डिड नॉट। ऑप्शन नंबर बी बट ही डिड नॉट
but he did not. Next है option number C, however he did not. However he did not. Option number D, he did not. अब वैसे करेक्ट जो यदि बनता है आल्दो के साथ, ठीक है, येट होना चाहिए था, हाउएवर की जगह क्या होना चाहिए था, येट, ठीक है, येट ही डिड नॉट गेट फर्स्ट क्लास. लेकिन जो ऑप्शन दी हुई है यहाँ पर आपकी, तो दोनों ही करेक्ट मानी जाएंगी, सी बी और डी बी, सी बी और बी. तो जो ये 42 क्वेश्चन नंबर है इसमें आपके दोनों ही आंसर ठीक हैं, बट ही डिड नॉट, हाउ एवर ही डिड नॉट, ठीक. लेकिन करेक्ट आंसर क्या होता, ही डिड, येट ही डिड नॉट गेट फर्स्ट क्लास. तो चलिए जो भी हमारे पास ऑप्शन है उसमें से हमें टिक करना पड़ेगा. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अनुसार जो है मैं सी और बी को बिल्कुल करेक्ट मानता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन डायर स्ट्रेट. इन डायर स्ट्रेट्स, एस टी आर ए आई टी एस, ये क्या है, एक फ्रेज है या idiom है, in dire straits. तो इसका आपको क्या बताना है, इसका मीनिंग क्या है. देखिए क्या है, ऑप्शन ए है गुड फॉर्चून, ऑप्शन बी में है प्रोविडेंस, और ऑप्शन सी में है इंडिजेंस. इंडिजेंस और ऑप्शन डी है एक्सट्रीमली हैप्पी. एक्सट्रीमली हैप्पी, देखिए क्या है, गुड फॉर्चून, प्रोविडेंस, इंडिजेंस. देखिए क्या है, गुड फॉर्चून अच्छा भविष्य होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा खुश, ठीक है. लेकिन हमारी जो स्टेटमेंट है इन डायर स्ट्रेट्स, इन डायर स्ट्रेट्स का मतलब क्या है, बहुत कठिन या मुश्किल परिस्थितियों में, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जाता है इंडिजेंस को. कहाँ जाता है, इंडिजेंस, ठीक है, किसको जाता है, इंडिजेंस को. तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि आज का जो सीईटी मॉक टेस्ट कंडक्टेड बाय केटीडीटी वाज वेरी इजी, और उम्मीद है कि मैक्सिमम विद्यार्थियों ने इसको हल किया होगा. और यदि किसी का कन्फ्यूज़न है तो ये की देख लें जो मैंने डाली है, इसमें सभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपसे मुलाकात अगले टेस्ट में होगी. तब तक के लिए धन्यवाद.